नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। सुल्तानगंज के डहरा नदी में डूबकर वृद्ध की हुई मौत, घर में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। शहजादपुर के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का किया ऐलान, नाथनगर प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने की कर रहे हैं मांग। भागलपुर में एक और घोटाला हुआ उजागर, पीरपैंती पहुंची जांच टीम, दस्तावेज खंगालने में जुटे अधिकारी। और बांका में अपराधी हुए बेखौफ, लूटपाट का विरोध करने पर ट्रक ड्राइवर की हत्या। समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती शुक्रवार को मनाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित आम लोगों ने भी दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर भागलपुर बैजानी से गांधी जी की वेशभूषा में डांडी यात्रा निकाली गई। दिशा ग्रामीण विकास मंच की ओर से आयोजित 3 दिवसीय गांधी उत्सव के पहले दिन डांडी यात्रा अमरपुर के शोभानपुर पहुंची। इस दौरान यात्रा में शामिल लोगों ने गांधी जी अमर रहे का नारा लगाया। संस्था के सचिव डॉक्टर मनोज मीता ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण आयोजन को सीमित रखा गया है। वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी गांधी विचार विभाग में गांधी जयंती के अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार एवं विभाग से जुड़े शिक्षक, छात्र, शोधार्थी और कर्मियों ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं काजवली चक स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शामिल लोगों और स्कूली बच्चों ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इसके पूर्व गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में भागलपुर के डाक टिकट विशेषज्ञ एवं संग्रहकर्ता राहुल रोहिताश ने बापू से जुड़ी दुर्लभ डाक टिकट, नोट और सिक्कों की प्रदर्शनी लगाई, जिसकी काफी सराहना की गई। समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों के सफल प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि गांधी जी ने देश को सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया है। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय ने बताया कि आज पूरा विश्व बापू को अहिंसा के पुजारी के रूप में देखता है, जो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। मौके पर रामशरण, वसुदेव भाई, डॉक्टर प्रभु नारायण मंडल, संजय कुमार, एनुल होदा, मिंटू कलाकार, चांद झुंझुनवाला समेत गांधीवादी विचारधारा से जुड़े कई लोग मौजूद थे। आज तो विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर गांधी जी का यहाँ मनाया जा रहा है कार्यक्रम। बच्चों को कुछ प्रतियोगिता वगैरह कराई गई है, उसमें उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए जाएंगे। लेकिन इस कार्यक्रम का जो छिपा हुआ उद्देश्य ये है कि हम लगातार समाज के बीच कार्यरत रहते हैं और देश पिछले 250-250 साल में जिस रास्ते पर बढ़ गया है, उसमें से बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं देश में, जिसका मुकाबला हमको आपको करना पड़ रहा है। इधर भागलपुर घंटाघर चौक के समीप गांधी जयंती पर पीस सेंटर परिधि की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए परिधि के उदय ने कहा कि राष्ट्रपिता संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सभा के दौरान देश में बढ़ती महिला हिंसा का प्रतिरोध किया गया। वक्ताओं ने कहा कि जिन नारियों के सम्मान में बापू ने अपना वस्त्र त्यागते हुए सीमित वस्त्र पहनने का प्रण लिया था, आज उसी गांधी के देश में नारियों का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। पीस सेंटर की सुषमा ने कहा कि महात्मा गांधी पुत्र और पुत्री के साथ एक समान व्यवहार करने में विश्वास रखते थे। इस अवसर पर डॉक्टर हबीब मुर्शीद खान, राहुल और परिधि से जुड़े कई लोग मौजूद थे। देखिए, आज विश्व अहिंसा दिवस है। गांधी जैसा व्यक्ति आज के दिन पैदा हुआ, जिसने अहिंसा का मैसेज दिया, और जिस देश में गांधी पैदा हुए उस देश में महिलाओं की हालत बहुत बुरी है, वो दिन रात हिंसा झेल रही है। और इस मौके पे हम लोग महिलाओं के साथ जो हिंसा है उसके प्रतिरोध में खड़े हुए हैं। कोरोना के सड़क समय में भी सड़क पर आना पड़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में वर्चुअल वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में स्कूल के शिक्षकों ने महात्मा गांधी के आदर्शों को याद करते हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर छात्रों को चलने का संकल्प दिलाया।
कार्यक्रम का आयोजन दो शिफ्टों में किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम की शानदार प्रस्तुति दी। वर्चुअल कार्यक्रम में बच्चों ने गांधी जी की विभिन्न चित्रकारी शिक्षकों को दिखाई। वेबिनार में स्कूल की निर्देशिका डॉक्टर निहारिका भारती ने कहा कि सभी बच्चों के अंदर ईश्वर द्वारा आदित्य प्रतिभा प्रदान की गई है, जिसे सही दिशा और प्रशिक्षण देना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, ताकि हर बच्चा अपनी अपनी प्रतिभा के अनुरूप अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सके। वहीं शिक्षकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए महापुरुषों से प्रेरणा लेने की बात कही। भागलपुर सुल्तानगंज के बाथ थाना अंतर्गत खानपुर पंचायत स्थित डहरा नदी में डूबने से एक वृद्ध की शुक्रवार को मौत हो गई। मृतक की पहचान दौलतपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी राधे मंडल के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि नहाने के दौरान पांव फिसल जाने से वृद्ध गहरे पानी में चला गया और नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह खेत जाने के क्रम में किसानों ने शव को नदी में तैरता देखा, जिसके बाद बाथ थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची बाथ थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। इधर घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। भागलपुर के शहजादपुर गांव को नारायणपुर प्रखंड से काटकर नाथनगर प्रखंड का हिस्सा बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। शहजादपुर के ग्रामीणों ने कहा कि जब तक शहजादपुर को नाथनगर प्रखंड में नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक ग्रामीणों द्वारा वोट बहिष्कार जारी रहेगा। ग्रामीणों ने कहा कि शहजादपुर से नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि नाथनगर प्रखंड मुख्यालय शहजादपुर से निकट है और ग्रामीण आसानी से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन शहजादपुर नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत आने के कारण गंगा नदी पार कर ग्रामीणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिस कारण ग्रामीण कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसी को लेकर लंबे समय से शहजादपुर को नाथनगर प्रखंड में जोड़े जाने की मांग जारी है, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है, जिस कारण ग्रामीण अब वोट बहिष्कार का निर्णय ले चुके हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नवगछिया एवं नारायणपुर निर्वाचन पदाधिकारी एवं पटना निर्वाचन आयुक्त को आवेदन सौंपा है। सृजन घोटाला की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है कि भागलपुर में खनन विभाग से जुड़ा नया घोटाला सामने आ गया। दरअसल पीरपैंती रेलवे स्टेशन से सीटीएस कंपनी द्वारा 270 रैक पत्थर को बिना माइनिंग चालान के ही बाहर भेजे जाने की शिकायत बुद्धूचक निवासी सुशील राय ने खनन विभाग के प्रधान सचिव से की थी। साथ ही सीटीएस और भागलपुर खनन विभाग के पदाधिकारी प्रणब कुमार प्रभाकर, लिपिक किशोर कुणाल और प्रांजल तिवाली की मिलीभगत से घोटाला को अंजाम देने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया है। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए खनन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा टीम गठित कर जांच के लिए भागलपुर भेजा गया, जिसके बाद जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार की मौजूदगी में टीम ने कार्यालय कर्मियों से पूछताछ की और भागलपुर खनन विभाग कार्यालय में दस्तावेजों को खंगाला। वहीं जांच के लिए आई 2 सदस्यीय टीम गुरुवार को मामले की सच्चाई जानने पीरपैंती रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पीरपैंती स्टेशन प्रबंधक घनश्याम दास से डिप्टी डायरेक्टर मनोज अम्बस्ट और सुरेंद्र कुमार सिन्हा द्वारा पूछताछ करने पर सीटीएस कंपनी और विभाग की मिलीभगत से किए गए घोटाले की सच्चाई सामने आने लगी है। साथ ही रैंक लोडिंग से जुड़े कई कागजात भी टीम को मिले हैं। शुरुआती जांच में कंपनी और विभाग के अधिकारी की मिलीभगत से घोटाला होने की बात सामने आ रही है। हालांकि जांच टीम के अधिकारी अभी कुछ भी स्पष्ट बताने से बच रहे हैं और जांच पूरा होने पर रिपोर्ट विभाग के प्रधान सचिव को सौंपे जाने की बात कह रहे हैं। बांका बौसी थाना क्षेत्र के भलजोर सीमा पर गुरुवार की रात एक ट्रक चालक की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने लोहे के रॉड से पीट पीट कर ट्रक चालक को मार डाला। अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं ट्रक का खलासी फरार है। मृतक की पहचान धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत शासन गांव निवासी मन्नू राय के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि चालक ट्रक लेकर पूर्णिया से रामपुर हाट जा रहा था और रास्ते में उसकी हत्या हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही शुक्रवार की सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर थानाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है और खलासी का पता लगाया जा रहा है। खलासी से पूछताछ के बाद ही हत्या के कारणों का सही पता चल पाएगा। भागलपुर नाथनगर प्रखंड अंतर्गत पुरानी सराय गांव के समीप बने नवनिर्मित बायपास की प्लेट लगी दीवार शुक्रवार को अचानक ढह गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी इस सड़क का उद्घाटन भी नहीं हुआ है और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। साथ ही स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में बताया कि सड़क निर्माण में घोर लापरवाही बरती गई है। बता दें कि बाईपास की सड़क भागलपुर 0 माइल से नाथनगर के 2 गच्छी तक बनी है और तब से अब तक स्थानीय लोगों द्वारा लगातार सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है। आए यहाँ पे देखे कि मिट्टी नीचे से पुल मतलब गिर रहा है तो खोखला कर रहा है बीच से, मतलब प्लेट है ना, प्लेट वो टूट के वो मिट्टी धीरे धीरे सब नीचे आ रहा है।
अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, नॉन AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कहलगांव सनौला प्रखंड मुख्यालय के श्रीचक कमालपुर पंचायत अंतर्गत उधामा डीह गांव में आजादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को पक्की सड़क नसीब नहीं है, जिस कारण उधामा डीह गांव के ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात प्रारंभ होने के साथ ही ग्रामीणों की परेशानी बढ़नी शुरू हो जाती है। बरसात के दिनों में ग्रामीणों को पक्की सड़क पर आने के लिए करीब 1 किलोमीटर की दूरी कीचड़ भरे रास्ते पर पैदल तय करनी पड़ती है। ऐसे में मरीजों को बेवक्त अस्पताल जाने में बेहद परेशानी होती है, जिसको लेकर पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद सज्जाद आलम, मोहम्मद खुर्शीद आलम, मुर्शीद आलम, गुलाम रब्बानी, परवेज आलम सहित सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने कहा कि गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से काफी दूर है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा, ताकि केंद्र एवं राज्य सरकार को पता चले कि सरकार के कामकाज से इस क्षेत्र की जनता कितनी खुश है। रोड नहीं है 15 साल, मतलब ये कौन मुखिया बोलता है, मुश्ताक मुखिया रहा, उसने रोड नहीं बनवाया, और अभी नया मुखिया आया है ये भी रोड नहीं बनवा रहा है। हम लोगों को भारी परेशानी है।
बरसात के दिनों में कैसे निकलते हैं? बहुत परेशानी है, इतना परेशानी है, लेटा लेटा कर यहाँ से मंगा चाहिए, किलोमीटर जाना पड़ता है। बहुत आवेदन दिए हैं सदानंद बाबू को, बहुत आवेदन दिए हैं, बोलो मंडल था संसद महोदय उसको भी आवेदन दिए हैं, उसके घर पे गए थे राघोपुर, वो बोला कि ठीक है आपका काम हो जाएगा। यहाँ जब इलेक्शन था उस टाइम में यहाँ उधामाडी में आके बोला कि हम जीत कर जाएंगे तो पहला काम उधामाडी में करेंगे, मगर आज तक न वो काम किया और न हो सका है। हमारे गांव का समस्या यही है कि रोड नहीं बना है, बारिश में बहुत परेशानी होता है निकलने में, बच्चे सब भी निकलता है, छोटा छोटा बच्चे अभी 4 दिन हुआ, वो बच्चे अभी 1 घंटा नहीं देखते तो वो भी डेट हो जाता, बहुत कीचड़ था। पुलिस जिला नवगछिया के तिनटंगा करारी पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत PWD सड़क के किनारे सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसका विरोध करते हुए महादलित परिवार की दर्जनों महिलाएं निर्माण स्थल पर पहुंची और किए गए कार्य को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसको लेकर सरपंच घनश्याम पासवान ने बताया कि जानबूझकर मंडल टोला में सामुदायिक शौचालय बनवाया जा रहा था, जिसकी लिखित शिकायत वीडियो गोपालपुर से की गई थी, पर किसी तरह की सुनवाई इस मामले में नहीं की गई, जिससे आक्रोशित समाज की महिलाओं ने शौचालय को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं BDO प्रियंका कुमारी ने कहा कि सभी पंचायतों में एक एक सामुदायिक शौचालय लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत बनाया जाना है, जिसमें 3 शौचालय व 1 स्नानघर महिलाओं के लिए व 3 शौचालय व 1 स्नानघर पुरुषों के लिए बनाया जाएगा। तिनटंगा करारी में सरकारी जमीन पर नियमानुसार अंचलाधिकारी के अनापत्रित प्रमाण पत्र लेने के बाद निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, यदि किसी को आपत्ति थी तो कार्यालय में मिलकर शिकायत कर सकते थे। गैरकानूनी तरीके से सरकारी कार्य में तोड़फोड़ करना गलत है, पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। समस्या ये है कि महादलित कला में शौचालय आया हुआ है और ये और जगह बना रहा है, यहाँ की लेडीज सबको जाने में बहुत दिक्कत परेशानी होगा। अच्छा कि महादलित का पैखाना आयो है, हमारा निक 9 वार्ड में बनना चाहिए लेकिन बनी रहा है 8 वार्ड में, हमारा रुकावट कर लिए। पीरपैंती थाना परिसर में गुरुवार को दुर्गा पूजा एवं चेहल्लुम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने की। मौके पर थानाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इस बार न दुर्गा माता की प्रतिमा बनाई जाएगी और न ही मेला का आयोजन किया जाएगा, साथ ही लाउडस्पीकरों पर भी प्रतिबंध रहेगा। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती, मानिकपुर मुखिया प्रतिनिधि अरविंद शाह, सौरभ शाह, मुन्ना सिंह, ऋषिकेश सिंह, रंजन यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। भागलपुर शाहकुंड प्रखंड के बाथ थाना अंतर्गत सरहा गांव में वज्रपात से एक महिला की मृत्यु हो गई। मृतका की पहचान सीताराम पासवान की पत्नी 40 वर्षीय क्रांति देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतका के पुत्र मिथिलेश कुमार ने बताया कि वो अपनी मां के साथ घास लाने खेत गया था, इसी दौरान अचानक ठनका गिरने से क्रांति देवी की मौत हो गई, जबकि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद पुत्र मिथिलेश कुमार वज्रपात से बाल बाल बच गए। वहीं घटना के बाद परिजनों द्वारा महिला को इलाज के लिए शाहकुंड रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही बाथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। भागलपुर में गुरुवार को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जन कल्याण मिशन की ओर से जयप्रकाश उद्यान स्थित सैंडिस कंपाउंड परिसर में संस्था के सचिव रूपेश कुमार के आह्वान पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक अंचल कुमार सिंह ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर 100 से अधिक पौधा लगाया गया है, साथ ही कहा कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर विभिन्न प्रखंडों में संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। इस दौरान संस्था के सचिव रूपेश कुमार, अध्यक्ष अंचल कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष रवि कपूर समेत संस्था के सभी सदस्य मौजूद थे। भागलपुर नाथनगर चंपानगर के कुम्हार टोली निवासी नरेश पंडित के 17 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार की चंपा नदी में डूब जाने से 23 सितम्बर को मौत हो गई थी, जिसको लेकर नाथनगर के युवा समाज सेवी विजय यादव गुरुवार को संतावना देने पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उनका अनाज एवं आर्थिक रूप से मदद किया। इस दौरान युवा समाज सेवी ने कहा कि ऐसे परिवारों को आगे भी हर संभव मदद किया जाएगा। आज संध्या के समय 6 बजे के आसपास विजय यादव, जो कि यहाँ नाथनगर के समाज सेवी और आसपास के क्षेत्रों के समाज सेवी रहे हैं, लॉकडाउन में भी उन्होंने हेल्प किए हैं, उन्होंने हमें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कुछ आर्थिक मदद भी हमें किया है। भागलपुर के पर्वती चौक स्थित शंकर गैस एजेंसी में शुक्रवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्वाधान में सभी गैस एजेंसी के प्रोपराइटर द्वारा LPG सिलेंडर से हो रही दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।
वहीं कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे सहायक प्रबंधक आलोक राज ने बताया कि आए दिन एलपीजी से दुर्घटना हो रही है, जिसमें कमी लाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। आलोक राज ने कहा कि हर 5 वर्ष में एलपीजी पाइपलाइन को बदलना अनिवार्य है, साथ ही हर 5 वर्ष में एलपीजी इंस्टॉलेशन की जांच भी करवाना उतना ही जरूरी है। इस दौरान प्रबंधक समेत सभी प्रोपराइटरों ने अपने अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मुफ्त में गैस पाइप मुहैया कराया। ये जो प्रोग्राम है ये अभियान की तरह है, अभियान की शुरुआत को समझिए। आए दिन हम देख रहे हैं कि एलपीजी से जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट आते हैं उनमें से कई दुर्घटनाएं ऐसी हैं जो लोगों के सुरक्षा को नहीं चेंज करने की वजह से होती हैं। नियमतः सुरक्षा बोर्ड को हर 5 साल में हमें बदलना होता है। उसी को जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा। भागलपुर हुसैनाबाद के मुगलपुरा में शुक्रवार को सालाना उर्स अपाक मनाया गया। वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए हजरत शाह हसन पीर वासफा के उर्स पर होने वाले कई कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। मजार कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद शेर खान ने बताया कि इस साल सामूहिक रूप से नतिया प्रोग्राम, इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता, कव्वाली और विभिन्न मोहल्लों में चादर भ्रमण नहीं किया गया। सचिव मोहम्मद साउद आलम ने कहा कि पीर बाबा का उर्स पिछले 80 वर्षों से मनाया जा रहा है, जिसमें जिले भर से हजारों की संख्या में और दूसरे राज्य से भी श्रद्धालु शिरकत करने आते हैं, लेकिन कोविड-19 एवं सरकारी गाइडलाइंस को देखते हुए इस वर्ष केवल मजार शरीफ पर चादर पोशी की रस्म अदा की गई है। वहीं सेवक मोहम्मद जमील ने बताया कि बाबा की दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और यहाँ सभी धर्म के लोग अपनी अपनी मनोकामना पूरी होने की दुआ मांगने आते हैं। सालाना उर्स के मौके पर शुक्रवार को कमेटी के सदस्यों ने सीमित संख्या में आम लोगों को दरगाह परिसर में जाने की अनुमति दी, जिसके बाद अकीदतमंदों ने मुल्क में अमन शांति की दुआ मांगी। इस दौरान जायरीनों से गुलजार रहने वाले कव्वाली मैदान में सन्नाटा पसरा रहा। मौके पर समाजसेवी शमशेर आलम, जाहिद, बिलाल, राहुल कुमार, दिनेश यादव मौजूद रहे। आज यहां पर उर्स है, एक आसमा उर्स पाक मनाया जा रहा है। हजरत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स होता है, मगर इस लॉकडाउन देखते हुए और सरकार का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पर किसी को भीड़ भाड़ लगाने नहीं दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हजरत शाह हसन पीर वासफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का 81वां उर्स पाक मनाया जा रहा है, लेकिन इस तरह से जो कोरोना काल है और सरकार का जो गाइडलाइन है, सिर्फ हम लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, जो चादरपोशी होती है, जो ज़रूरी काम होती है वो कर रहे हैं। और तमाम भागलपुर की तमाम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, घर में ही रह करके फातिहा पढ़े, मजार पे ना आए। अवंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, लोगों ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। सुल्तानगंज के डहरा नदी में डूबकर वृद्ध की हुई मौत, घर में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। शहजादपुर के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का किया ऐलान, नाथनगर प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने की कर रहे हैं मांग। भागलपुर में एक और घोटाला हुआ उजागर, पीरपैंती पहुंची जांच टीम, दस्तावेज खंगालने में जुटे अधिकारी। और बांका में अपराधी हुए बेखौफ, लूटपाट का विरोध करने पर ट्रक ड्राइवर की हत्या। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।